आज तो ये लोग वापस भी ले जा रहे हैं। अच्छा। रेट भी ज्यादा ही बता रहे हैं। गौर करें, पहले बकरे थे और बंदे नहीं थे, अब बंदे हैं बकरे नहीं है, क्या करें पीछे मुड़ के। इस दफा उल्ट हो गया, उल्ट हो गया। हाँ, लास्ट डे जो है वो कुर्बानी महंगी होगी है। कुर्बानी होगी, हाँ जी, 25% महंगा है जानवर। सारा साल वो पालते हैं, उसके बाद शेयर साहब जर उनको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज। आमतौर पर तासुर दिया जाता है, 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर ये बात चल रही है कि आखिरी दिनों में बिलखसूस जो ईद उज़्ज़ोहा से एक दिन पहले या उस शाम को या उस रात को जानवरों के रेट बहुत हद तक गिर जाते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है ये हम यहाँ पर मौजूद जो गाहक है उनसे ही जानेंगे। तो आइए चलते हैं मंडी की तरफ, मंडी में जो गाहक आए हुए हैं उनसे पूछते हैं। आज ईद उज़्ज़ोहा से बिल्कुल एक दिन पहले वाला रोल है, जुम्मे का दिन है, कल ईद है, तो आज के दिन मार्केट में क्या वाकई रेट गिर चुके हैं या नहीं गिरे। उम्र के लिहाज से मुझे तो 4-5 साल ही हो गए हैं, ज्यादा पहले जानवर नहीं खरीदे, नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस साल क्या सूरत हाल है रेट की मार्केट में? रेट की मार्केट में आज तो ये लोग वापस भी ले जा रहे हैं, रेट भी ज्यादा ही बता रहे हैं। वैसे ये समझा जाता है कि आखिरी दिन के ऊपर जानवर लेना चाहिए, सस्ता रेट कम हो जाता है। हाँ। ऐसा कोई इमेज आपको नजर आया यहाँ पे कुछ? नहीं, आज तो ज्यादा नजर आ रहा है। ज्यादा नजर जी, कि आखिरी दिन जो है ना, आखिरी दिन रेट कम हो जाते हैं, ये किसी हद तक दुरुस्त है भी या नहीं है? आप प्रैक्टिकली नजर आए ग्राउंड पे, आप सौदा कर रहे हैं? डिपेंड करता है जी, अगर तो बारिश वारिश हो जाती है तो जरा इनके दिमाग नीचे आ जाते हैं। तो अगर बारिश नहीं होती और कस्टमर आ रहा है मंडी में तो इनको पता है इन्होंने लेके जाना है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इस बार चूंकि कोरोना है तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं कुर्बानी के लिए बाहर अदारों में पैसे दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने करनी है वो तो डेफिनेटली आके मंडी में भी। इस वक्त मंडी में जानवर खत्म हो गया है, कोरोना की वजह से लोग कहते थे कि कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन कुर्बानी हो रही है माशाल्लाह। और आज से पहले भी हम 3-4 बारी आ चुके हैं, तो बहुत कम रश था, अब तो बहुत ट्रिपल रश हो गया। और कुर्बानी आप गौर करें, पहले बकरे थे और बंदे नहीं थे, अब बंदे हैं बकरे नहीं है, क्या करें पीछे मुड़ के। मैं ये कहता हूँ कि जी तासर ये है कि गाहक जो है कस्टमर बेचारा आ रहा है, आपको क्राउड नज़र आ रहा है, क्राउड नज़र आ रहा है गाहक का, लेकिन इतनी कैपेसिटी किसी गरीब की नहीं है कि कोई बकरा खरीद सके। अब छोटे से छोटे बकरे की कीमत यहाँ पे 60-65 हज़ार है। अब ये देखिए गरीब आदमी, मैं बल्कि खान साहब से अर्ज करूँगा खुदा के लिए गरीबों पर रहम करें। कितने का बेच रहे भैया? लास्ट प्राइस कितने? 75 हज़ार। कितने जानवर लेके आए? 5 है। बिके ने? हाँ जी, एक रह गया। आखिरी रेट की है 5 है। आखिरी है 75 हज़ार। बिक गया? हाँ जी। कितना बेचे? बाकी ले लिया। हाँ जी भाई। वैसे पिछले साल इस साल रेट में फर्क पड़ा कोई? अरे रेट इस बार बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि अच्छा मिल गया। लेकिन कितना कोई फर्क है, कितना कोई फर्क है? रेट तो भाई बहुत ज्यादा फिलहाल अभी तो। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि आखिरी दिन के अंदर जो है ना रेट कम हो जाते हैं, ये सच है? नहीं, मुश्किल ही है। मुश्किल ही होता है, ऐसी बात है कि बनी वैसे बना हुआ है। ये है कि 73 का ले लिया, ये 73 का। वैसे पिछले साल इस साल रेट में फर्क है? कितना फर्क पड़ा? ये इसका एक पन्ना मांग रहा था। और कितने का दिया? 70। भाई आपने खरीदा? हाँ जी। कितने का खरीदा? 1.32 का। 1.32 का। आपके ख्याल से मुनासिब है रेट? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके ख्याल से ठीक है, बेहतरीन। वैसे पिछले साल इस साल फर्क पड़ा है? काफी फर्क पड़ा है। कितना पहले से और अब से बहुत फर्क है रेट? आप इस दफा उल्ट हो गया, उल्ट हो गया। हाँ, लास्ट डे जो है वो कुर्बानी महंगी होगी है। कुर्बानी होगी, हाँ। आखिरी दिन तो अगर तो माल पीछे से आ रहा है ना, फिर तो सही मिल जाता मुनासिब। अगर नहीं पीछे से आ रहा, शॉर्ट हो गया तो महंगा मिल जाता। अभी आप मंडी फिरे? हाँ जी। महंगा जानवर अभी तक फिलहाल? अभी तो रेट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, शुक्रिया यार। अभी तक तो मार्केट जो है काफ़ी ट्रेंड इंक्लाइनिंग साइड पे है, काफ़ी हमने एफर्ट की है, बट ये है कि जो बिगर एनिमल्स हैं दे आर अवेलेबल एट कंपेरेबल प्राइसेस, बट पार्टिकुलरली गोट्स एंड शीप्स दे आर वेरी कंपेटिटिव प्राइसेस। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये जो मिथ है राइट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। जी सर,
ठीक है। चौगा है कि चौगा सर देखें 25% महंगा है जाना। अच्छा ये कहा जाता है कि आखिरी दिन में रेट कम हो जाता है, ऐसा सच है? वो असर हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है ना 70 साल से कि यार आखिरी दिन लेने जाओ सस्ता होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा होता है, होता है अक्सर, ऐसा होता है अगर देखिए अब यहाँ पे रात पे बहुत ज़्यादा जानवर बिका है, अब शायद ये रहा ये रात को इंतज़ार करें कि बहुत सारे लोग आएंगे, शायद ना आए, जब ना आए तो फिर सस्ता हो जाता है। ठीक है, हाँ यही वजह होती है। अभी तो सस्ता है, अभी सस्ता है, हाँ रात 85 वाला आज 75 का है, 10 साल सस्ता है, फर्क पड़ा है। हाँ जी, इसके ऑनर कितने खरीदा? ये 35 का पैसा। यार ये समझा जाता है आखिरी दिन पे आओगे तो आपको माल सस्ता मिलेगा, जानवर ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी है, ऐसा थोड़ा सा है, 1500 में से 70% इसी तरह का सिस्टम है कि रेट डाउन हुए हुए हैं ये जानवर। उस दिन हमने पता किया था 2 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलता था, और आज कितने का मिला? 1.35 का लेके जा रहे हैं। ये जुमला ठीक है, ये बेहतरीन, और कल मजीद डाउन हो जाएगा। वैसे यार ये कहा जाता है कि आखिरी दिन पे रेट कम हो जाता है, ऐसा कोई है सीन हुआ आपके साथ? बिल्कुल सीन नहीं है, ये वैसे एक बात ही है, बात ही है सर, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मोहब्बत कर रहे, लेकिन इतनी नहीं जितना। एक जुमला सा बना हुआ कि यार आखिरी दिन जाओ जानवर सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ आपको नजर आया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कितने सालों से आप खरीद रहे हैं माशाल्लाह? 16-17 साल हो। कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कभी भी नहीं। एक वैसे एक आम की बात, और ट्रेंड है ये, आपकी नसीब की बात है, कहाँ पे सौदा आपका? पिछले साल इस साल रेट में कोई फर्क पड़ा? नहीं नहीं पड़ा, मुझे नहीं महसूस। हम नहीं लिया, हम नहीं लिया, 4,40,000 कहने वाला। रेट कितना लगा रहे थे? ये 30 कह रहे थे। रेट 30 कह रहे थे, और कितना में लिया आपको? 95। एक तासर है हमारी सोसाइटी में आमतौर पर कि आप आज के दिन यानी कि आखिरी दिन जानवर सस्ता मिल जाता है, रेट कम होता है, ऐसा कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में तजर्बा तो आपको होगा, आप लेते रहे जानवर, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? देखें इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, स्पेशली अगर आज बारिश हो जाती है मज़ीद, ठीक है, तो डेफिनेटली एक तो कोविड की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे, ठीक है, इस वक्त लास्ट डे पर लोग निकले हैं, अभी बहुत सा माल खड़ा हुआ है, ठीक है, खुदा न खास्ता रात को बारिश हो जाती है तो डेफिनेटली लोग पहले ही नहीं निकल रहे, तो ये माल सारा किधर जाएगा? अभी बहुत ज़्यादा माल खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बेचारे जो ये लोग हैं ये किधर लेके माल वापस, तो कसाईयों को पास जाना है। भाईजान इस साल और पिछले साल रेट में कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। किस किस्म का फ़र्क पड़ा है आप मुझे बताएंगे थोड़ा? इसमें इस साल बड़ी महंगाई है, पिछले साल की नस्बत इस बार बहुत महंगा महंगा। अच्छा ये ख्याल किया जाता है कि अगर आप आखिरी दिनों में आते हैं तो आपको रेट कम मिलता है, ये सोसाइटी में जो हमारा बना हुआ है ना एक रुझान, अभी से नहीं सालों से बना हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है, आखिरी दिन जानवर लेने जाओ, रात को लेने जाओ, शाम में लेने जाओ, सस्ता मिल जाता है, ऐसा कुछ आपको नजर आया? अभी तक तो नहीं आया, आगे देखते हैं। वैसे पिछले साल आपने बड़ा जानवर लिया था छोटा लिया? बड़ा बड़ा कितने का मिल गया था? पिछली बार मिल गया था हमें 76,000 का। इस साल उसी किस्म का जानवर, उससे ऊपर नीचे थोड़ा सा कितने का मिल रहा है? 1,00,000 से नीचे नहीं आ रहा। 1,00,000 से नीचे बिल्कुल नहीं। अगर जानवर ज़्यादा हो तो मार्केट में रेट कम हो जाता है, अगर जानवर कम हो आखिरी दिन तो रेट बढ़ जाता है। ये पीटीआई के पे इसलिए ये इस तरह की बात कर। अच्छा आप बताओ आप किस जमात के हैं? और मैं वैसे नूली का हूँ, लेकिन अपना ना चीनी देखो आज 100 रुपए आई है, ये गरीब आदमी क्या करेंगे, ये जो आए हैं इनको वाकई ये जो सही वे बोल रहे हैं, इनको तो एक एक रुपया नहीं है अपना एक दिन का मिल रहा। ये कोई नहीं बात आपकी, एक्चुअल बस व्यापारी भी थके होते हैं बेचारे, हमारे पास भी लास्ट दिन होता है, तो शुक्र अल्लाह का उसी रेट में मिल जाते हैं पिछले साल। कोई इस तरह का कोई कोई कीमत बेचारों की ऐसे सारा साल वो पालते हैं, उसके बाद शेफ साहब जरा उनको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। आखिरी दिन के अंदर जानवर सस्ता हो जाता है? हाँ जी। ये तासुर दुरुस्त है आपके? नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ जी, हम 3 दिन से मार्केट में हैं और पहले हम एक जानवर लेके गए, दूसरा जानवर लेने आए हैं, तो इस वक्त इनकी अपनी मोनोपली है, इन्होंने जानवर गायब करवा दिए, भेज दिए हैं और रेट जान पूछ के हाई कर दिए हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तो जानवर एक्सेस में है तो सस्ता मिल जाएगा, नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, लेकिन अगर हाँ अगर तो एक्सेस में जानवर है तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर कम है जानवर वो महंगा मिलेगा। पिछले साल इस साल फर्क पड़ा है? 20-25 हज़ार का पड़ा, 20-25 हज़ार का। अच्छा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि
लास्ट डेट में लेना चाहिए, तो लास्ट डेट में लेने का कोई फायदा हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ, नुकसान हो रहा है उल्टा। अच्छा, कोई तरह का नुकसान हो जी हो रहा है? तो पिछले साल इस साल में फर्क पड़ा रेट के ऊपर आपके हिसाब से? क्योंकि आपका तजर्बा ज्यादा ये है कि बढ़ गए हैं थोड़े से, बढ़ गए। हां, ये उम्मीद की जाती है, लोग कहते हैं कि आखिरी दिन में आके लेना चाहिए, दिन सस्ता हो जाता है। कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, ऐसे कोई आपको नजर नहीं आ रही? वैसे पिछली दफा कभी हुआ इस तरह के आखिरी दिन में आपको सस्ता मिल गया माल? हो जाता है, लगभग हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। हां, नहीं हुआ। कोई खास फर्क 1000-2000 इतना बस हो सकता है? इतना ही पड़ता है, तो अगर ये बारिश हो जाती ना, मे भी हो सकता है कि फर्क काफी पड़ जाता। कॉस्ट कितने का लिया? 40,000 बेहतरीन बना।